कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज, आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज, मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हो, ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पाती दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतींद्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस उछलते सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं।
विकल्पों की तरंग तो अत्यंत दूर उछलता सागर आनंद का भी हो, फिर भी उसकी ओर दृष्टि नहीं चाहती, और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। राख की दीवार के परमाणु तो अत्यंत दूर मैं चैतन्य तत्व इस देह में इस राख की दीवार में कहीं भी नहीं हूं। मैं वहां हूं जहां जहां चैतन्य व्याप्त है। मैं स्वयं चैतन्यमयी भगवान आत्मा हूं। मैं ज्ञान का घनपिंड हूं। यह देह अनंत परमाणुओं का पिंड है और मैं भगवान आत्मा ज्ञान का घनपिंड हूं, अनंत गुणों का घनपिंड हूं। इस देह के बनने से पहले भी मेरी सत्ता थी। इस देह के बिखरने के बाद भी मेरी सत्ता रहेगी। त्रिकाल सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व यही मैं। त्रिकाल सत्ता मात्र भगवान आत्मा यही मैं हूं। ऐसा अनुभव करने वाली अवस्था भी मैं नहीं हूं, क्योंकि उस अवस्था का जन्म है, उस अवस्था का मरण है, और मैं चैतन्य तत्व जन्म और मरण से न्यारा हूं। यह सारा जगत क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। संसार की अनित्यता का बोध हो, अनित्यता की असारता का बोध हो। इस जगत में जो भी घटित हो उसमें आश्चर्य न हो। किसी एक भी अवस्था का अस्वीकार न हो। चैतन्य की सत्ता से बाहर ये सारी अवस्था, जिन अवस्थाओं में मैं कहीं भी नहीं हूं, स्वरूप की सत्ता की जागृति के बल पर उछलता सागर आनंद का भी क्यों न हो। ज्ञानी का अपनापन उस उछलते सागर में भी नहीं होता।
मैं चैतन्य तत्व हूँ। इस देह के परमाणु मेरे नहीं हैं। जब देह के परमाणु के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, तो इस देह का जन्म जिनके निमित्त से हुआ है, उन माता पिता के साथ मेरा क्या संबंध? इस देह से जिनका जन्म हुआ है, ऐसे पुत्र पुत्री के साथ मेरा क्या संबंध? मैं चैतन्य तत्व शुद्धात्मा हूं। मैं स्वयं परमात्मा हूं। भूतकाल में अनंत देह को धारण किया, वे अनंत देह मेरे साथ नहीं है, फिर भी मैं सत्ता स्वरूप टिक कर रहने वाला भगवान आत्मा, उन परमाणुओं के कारण मेरी सत्ता नहीं, मेरा होना नहीं, मैं चैतन्य परमात्मा स्वयं के कारण हूं। भूतकाल के अनंत देह के अनंतानंत परमाणुओं का वियोग हुआ, फिर भी मैं रहा। इस देह के भी अनंत परमाणुओं का वियोग होगा, फिर भी मैं रहूंगा। यही चैतन्य तत्व, यही मैं। पर पदार्थों से सुख को पाने की वांछा बहुत की, परंतु आज तक पर पदार्थों से सुख को प्राप्त कर न सका। अनंत गुणाधिपति मैं भगवान आत्मा, परिपूर्ण परमात्मा हूं। किसी भी परद्रव्य का प्रवेश मुझ में हो नहीं सकता। पराया सदा ही पराया रहता है, प्रति समय ये जागृति बनी रहे। पर पदार्थों का स्वयं में प्रवेश नहीं हो सकता, ऐसा परिपूर्ण चैतन्य तत्व यही मैं। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। सांसें चलती है, हवा शरीर में जाती है, हवा शरीर से आती है, जागृति प्रति समय रहे। मैं चैतन्य तत्व जहां हूं, वहां देह की कोई भी क्रिया नहीं। मैं शुद्ध ज्ञान मात्र, चैतन्य मात्र भगवान आत्मा हूं। अनंत विकारी भाव हुए,
भी एक भी विकार का भाव जिस स्वरूप में प्रविष्ट नहीं हुआ, जिस स्वरूप में न मिला, ऐसा परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा यही मैं। इस जगत में कोई मेरा शत्रु नहीं, कोई मेरा मित्र नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति राग नहीं। मैं चैतन्य तत्व हूं। देह की किसी भी क्रिया में न मिलने वाला परमात्मा हूं। मैं मांस नहीं हूं, मैं खून नहीं हूं, मैं हड्डी नहीं हूं, मैं चमड़ी नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं मांस खून हड्डी चमड़ी इन पदार्थों से बने इस देह से न्यारा चैतन्य तत्व हूं। भूतकाल में अनंत देह को धारण किया, भूतकाल में अनेकानेक माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री उनमें अपनापन किया, मित्र और शत्रु के प्रति राग द्वेष किया। अब उन विकल्पों को विराम मिले, अब उन विकल्पों का अंत हो, अब राग और द्वेष का अंत हो, यही मनुष्य जीवन की इस यात्रा का परिणाम हो, यहां आने का परिणाम यही हो कि यहां से विदा लूं, कोई भी मेरा मित्र नहीं, कोई भी मेरा शत्रु नहीं, कोई मेरा मित्र और कोई मेरा शत्रु, ऐसा जो भाव, यह भाव भी मेरा नहीं, क्योंकि यह भाव अनित्य है और मैं चैतन्य तत्व नित्य हूं। मैं चैतन्य तत्व हूं। मैं अनंत शक्तिशाली परमात्मा। शरीर के बिखर जाने पर भी जो बिखरता नहीं है, यह चैतन्य तत्व यही मैं। चलने वाला देह है, बोलने वाला देह है, मैं देह की क्रिया से न्यारा चैतन्य परमात्मा हूं। स्वयं के अतिरिक्त इस जगत में कुछ भी नहीं पाया जा सकता, पर पदार्थों से किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रहे।
यह जाना कि मैं परिपूर्ण हूं, पर पदार्थों से स्वयं को भरने की वृत्ति ही मिटी। अनंत काल तक जो होगा सो निश्चित है, और जो होगा उससे न्यारा मैं परमात्मा हूं यह भी निश्चित है। इसलिए मैं निश्चिंत हूं कि अनंत काल तक क्या होगा, मैं चैतन्य तत्व हूं। आत्मा में अनंत 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 राग और द्वेष के विकारी भाव है। उन विकारी भावों से छूटने का एक ही उपाय है कि पर पदार्थों से दृष्टि हटे, पर पदार्थों से ध्यान हटे, पर पदार्थों से उपयोग हटकर यह ज्ञान ज्ञान में ही स्थिर हो। चैतन्य तत्व सत्ता मात्र हूं, मैं विराट हूं, त्रिकाल हूं, अनादि अनंत एक हूं, अनंत गुणाधिपति अभेद हूं, असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होकर भी मैं अखंड हूं। ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व यही मैं। उछलता सागर आनंद का भी क्यों न हो, मैं आनंद स्वरूपी हूं जो कभी उछलता नहीं। मैं स्वयं आनंद हूं, मैं स्वयं परमानंद हूं, मैं स्वयं परमानंद हूं, मैं स्वयं परमानंद हूं।